फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से गैस वेल्डिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें गैस वेल्डिंग वर्किंग प्रिंसिपल और उसके असेंबली, ऑपरेशन और सेफ्टी के लिए ज़रूरत में आने वाले सारे इक्विपमेंट्स को डिटेल में जानेंगे। साथ ही गैस वेल्डिंग के ऑपरेशनल की पैरामीटर्स को समझकर उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं द इंजीनियरिंग के साथ आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें गैस वेल्डिंग का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल समझना होगा। सो गैस वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग इन विच टू जॉइनिंग मेटल्स आर हीटेड अप टू सर्टन टेम्परेचर यूजिंग द हीट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फ्लेम्स सो दैट दे मेल्ट एंड फ्यूजेस एंड दे शेयर्ड मोल्टन पूल ऑफ मेटल एंड फिलर मटेरियल फॉर्म बाय फ्लेम फ्यूजेस एंड आफ्टर कूलिंग अक्वायर्स हाई स्ट्रेंथ वेल्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाई टेम्परेचर फ्लेम फिलर मटेरियल और बेस मेटल को मेल्ट कर रही है, जिससे मोल्टन वेल्ड तैयार हो जाता है, जैसे कि यह डायग्राम में दिखाया गया है। और वो कूल होने के बाद बेस मेटल के साथ जुड़कर परमानेंट वेल्ड बनाता है, और ये परमानेंट वेल्ड बेस मेटल जैसा ही स्ट्रांग होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आग लगाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसे हम फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। एक तो ऑक्सीडाइजर, सेकेंड फ्यूल और इग्निशन। तो गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर का काम करता है, वही एज अ फ्यूल गैसेस सच एज एसिटिलीन, प्रोपेन, ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। बट मोस्टली एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम रिक्वायर्ड फ्लेम टेम्परेचर के लिए एक वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन के कंबशन के लिए 1.221 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लगता है, जो कि वही प्रोपेन के एक वॉल्यूम कंबशन के लिए अराउंड 4.3 वॉल्यूम ऑक्सीजन लगता है। इसीलिए मोस्टली एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी कहते हैं, जिसका मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अराउंड 3100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, दिस इज जनरल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस इक्विपमेंट्स इन गैस वेल्डिंग, जिसके अंडर हमें डिस्कस करना है। कॉम्प्रेस्ड गैस सिलेंडर विथ प्रेशर रेगुलेटर एंड वॉल अरेंजमेंट, कनेक्टिंग होसेस, वेल्डिंग टॉर्च अलॉन्ग विथ टू नीडल वॉल, ये इक्विपमेंट गैस वेल्डिंग असेंबली के अंडर आते हैं। बाकी फिलर रॉड, फ्लक्स, स्पार्क लाइटर, बेस मेटल ऑपरेटिंग इक्विपमेंट के अंडर आएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी इक्विपमेंट, जिसमें सेफ्टी गॉगल, सेफ्टी हैंड ग्लोव और लेदर एप्रन आते हैं। तो इक्विपमेंट से शुरू करते हैं, उसमें सबसे पहला है गैस सिलेंडर। एज यू कैन सी, जनरली ऑक्सीजन सिलेंडर इज कलर्ड ब्लैक एंड एसिटिलीन सिलेंडर इज कलर्ड रेड, एंड दीज सिलेंडर्स आर फिल्ड विद ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन एट हाई प्रेशर। प्रैक्टिकली ऑक्सीजन प्रेशर कैन बी एज हाई अबाउट 300 बार एंड एसिटिलीन स्टोर्ड एट अबाउट 15 बार। अब ध्यान से देखें तो हर सिलेंडर में प्रेशर रेगुलेटर और वॉल अरेंजमेंट की गई है। सो द फंक्शन ऑफ द गैस रेगुलेटर इज टू रिड्यूस द हाई प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड सिलेंडर टू द वर्किंग प्रेशर ऑफ वेल्डिंग टॉर्च यूजिंग एडजस्टिंग स्क्रू। इसे ऐसे समझिए, सिलेंडर में गैस हाई प्रेशर में स्टोर की जाती है ताकि मैक्सिमम गैस क्वांटिटी स्टोर हो सके। बट हमें वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान इससे कम प्रेशर पर ऑपरेट करनी होती है, इसलिए प्रेशर रेगुलेटर होता है जो रिक्वायर्ड गैस प्रेशर को मेंटेन रखता है। प्रेशर रेगुलेटर में दो प्रेशर गेजेस भी लगे होते हैं, जिसमें से एक गेज सिलेंडर के अंदर की गैस का प्रेशर मेजर करता है और दूसरा ऑपरेटिंग गैस प्रेशर को मेजर करता है। अब असेंबलिंग में गैस सिलेंडर के बाद आते हैं होस कनेक्शन पे। ओके, सो होसेस आर मीडियम थ्रू विच गैसेस आर सप्लाइड थ्रू ईच सिलेंडर टू द वेल्डिंग टॉर्च। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर होसेस कनेक्शन के माध्यम से वेल्डिंग टॉर्च से जोड़े गए हैं, जहाँ दोनों गैसेस कंबस्टिबल मिक्सचर फॉर्म करती है। हम यहाँ वेल्डिंग टॉर्च पे आ गए। अब जैसे कि हमने अभी देखा है, दोनों सिलेंडर की गैसेस होसेस के थ्रू वेल्डिंग टॉर्च में आती है, जहाँ वे कंबस्टिबल मिक्सचर फॉर्म करती है। बट यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हमें कितने अमाउंट में दोनों गैसेस सप्लाई करना है कि रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग फ्लेम तैयार हो सके। इसलिए वेल्डिंग टॉर्च में दो नीडल वॉल दिए जाते हैं, वन फॉर ऑक्सीजन एंड अनदर फॉर एसिटिलीन, विच कंट्रोल द सप्लाई ऑफ गैसेस। और इस तरह रिक्वायर्ड कंबस्टिबल मिक्सचर वेल्डिंग टिप से हाई वेलोसिटी से निकलता है, और जैसे उसे स्पार्क लाइटर से इग्निशन दिया जाता है, वह फ्लेम का रूप ले लेता है। ओके, यहाँ तक हमारी फ्लेम तैयार हो गई। अब हमें ऑपरेशन के दौरान रिक्वायर्ड इक्विपमेंट देखना है,
जिसमें फिलर रॉड, ओके तो फिलर रॉड फुलफिल्स द एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ मेटल टू फिल द गैप और टू मेक अ जॉइंट एंड इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस मेटल. इट शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट, ग्रीस एंड एनी कंटेमिनेशन. जैसे कि फिगर में फ्लेम फिलर रॉड और बेस मेटल को मेल्ट कर रही है और एडिशनल मटेरियल जो कि फिलर रॉड मेल्ट होकर बेस मेटल के साथ फ्यूज होकर परमानेंट वेल्ड बना रहा है. ओके यहाँ तक हमारी वेल्डिंग हो गई. बट फॉर लाइफ ऑफ वेल्ड एंड टू अवॉइड एनी कंटेमिनेशन और करोजन ऑफ वेल्ड वी नीड वन मोर सब्सटेंस ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड दैट इज कॉल्ड फ्लक्स विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड सिलिकेट्स एंड इज अवेलेबल इन मार्केट इन फॉर्म ऑफ ड्राई पाउडर एंड पेस्ट. द मेन फंक्शन ऑफ फ्लक्स इज टू शील्ड द मोल्टन मेटल फ्रॉम एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन एंड रिमूव्स ऑक्साइड्स फॉर्म ड्यूरिंग वेल्ड पूल. इट कीप द बेस मेटल सरफेस क्लीन एंड सो फर्दर प्रिवेंट द आफ्टर वेल्ड करोजन. अब आते हैं हम सेफ्टी इक्विपमेंट पे, जो वेल्डिंग के दौरान यूज करना बहुत ज़रूरी है टू अवॉइड एनी इंजरी. सो सेफ्टी इक्विपमेंट इंक्लूड सेफ्टी गॉगल विच प्रिवेंट ऑपरेटर्स आई फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रे एंड हीट ऑफ द फ्लेम. सेकेंड हैंड ग्लोव्स विच प्रोटेक्ट ऑपरेटर हैंड फ्रॉम हीट ऑफ फ्लेम एंड एनी स्किन इंजरी. एंड लेदर एप्रॉन विच ऑल्सो प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट द हीट फ्लो थ्रू द क्लोथिंग वियर्ड बाय ऑपरेटर. ओके यहाँ तक हमने गैस वेल्डिंग प्रिंसिपल और इक्विपमेंट को डिटेल्स में जान लिया है. अब हमें वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान ध्यान में रखने वाले कुछ की रूल्स या पैरामीटर कह सकते हैं उसे जानना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छी परमानेंट वेल्ड के लिए वेल्डिंग टॉर्च का ब्लोइंग एंगल, ध्यान से सुनिए, वेल्डिंग टॉर्च का ब्लोइंग एंगल फिलर रॉड का बेस मेटल के साथ एंगल और डायरेक्शन ऑफ वेल्ड बहुत मायने रखता है. इन अप्रोप्रिएट ब्लो या गलत वेल्डिंग डायरेक्शन, एक्सेसिव स्पैटर, इनकम्प्लीट फ्यूजन, पोरोसिटी, लोअर क्वालिटी वेल्ड जैसे वेल्डिंग डिबेट्स को जन्म देता है. इसलिए वेल्डिंग पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर वेल्डिंग करना वेल्ड की लाइफ बढ़ाती है. जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, व्यास वेल्डिंग में टॉर्च का ब्लोइंग एंगल अराउंड 45 डिग्री होना चाहिए और फिलर रॉड का बेस मेटल के साथ अराउंड 30 डिग्री होना चाहिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्डिंग की डायरेक्शन, इसमें ब्लोइंग एंगल और फिलर रॉड एंगल मेंटेन करते हुए फिलर रॉड कंजम्पशन को फॉलो करते हुए वेल्डिंग टॉर्च मूव करना चाहिए, जो वेल्ड लाइफ और क्वालिटी ऑफ वेल्ड को इम्प्रूव करता है. अब हम गैस वेल्डिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस को जानेंगे. गैस वेल्डिंग एडवांटेजेस में आते हैं, जैसे गैस वेल्डिंग इज सुटेबल टू वेल्ड डिससिमिलर मेटल्स, इट इंक्लूड्स फेरस एंड नॉन फेरस मेटल. सेकेंड इज दिस वेल्डिंग डज नॉट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑपरेशन. नेक्स्ट एडवांटेज, इक्विपमेंट्स आर नॉट मच एक्सपेंसिव. यस, इन गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स आर चीपर देन द इक्विपमेंट्स इन आर्क वेल्डिंग. फोर्थ एडवांटेज इज दिस वेल्डिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड लेबर टू ऑपरेट. इट मीन्स गैस वेल्डिंग पे थोड़ी प्रैक्टिस करने से कोई भी इसे आसानी से सीख सकता है. नेक्स्ट एडवांटेज, इट प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल ओवर टेम्परेचर एंड फ्लेम. एंड द लास्ट वन इज इट इज़ पोर्टेबल, मीन्स इसे व्हील ट्रॉली में रखकर ले जाया सकता है जहाँ भी वेल्डिंग ऑपरेशन करना हो. ओके अब हम गैस वेल्डिंग के डिसएडवांटेजेस जानेंगे, जिसमें आते हैं इट इज़ नॉट सुटेबल टू वेल्ड थिक सेक्शंस, मीन्स इट इज़ सुटेबल फॉर सम थिन सेक्शन. इट कैन नॉट बी ऑपरेटेड ऑन हाई स्ट्रेंथ स्टील. इट डजेंट प्रोवाइड रिक्वायर्ड फ्लक्स शील्डिंग एंड सो करोजन एंड कंटामिनेशन प्रॉब्लम अकर. इट हैज स्लो रेट ऑफ कूलिंग एंड सो स्लो प्रोडक्शन. वेल्डिंग डिफेक्ट्स लाइक पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन, कंटेमिनेशन वीकन्स द वेल्ड. ओके अब हम वीडियो के अंतिम पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें हम गैस वेल्डिंग के एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे. उससे पहले मैं आपसे सजेशन लेना चाहूँगा, आप मुझे इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं उन पर कुछ वीडियो बनाऊँ. ओके अब हम गैस वेल्डिंग के एप्लीकेशंस देखेंगे. इट इज़ यूज फॉर जॉइनिंग मेटल सीट्स इन मेटल फैब्रिकेटिंग प्लांट. इट इज़ यूज टू फिल गैप इन बेस मेटल बाय फ्यूजिंग फिलर मेटल इन इट. Gas welding used in aircraft industry to weld dissimilar metallic parts. It has wide application in daily repair works in bicycle, steel utensils and buckets and all. It is used to heat metallic assembly and also for cutting and shaping. Okay. ये हमारी गैस वेल्डिंग के बेसिक कंसेप्ट पूरे होते हैं. फिर भी कुछ टॉपिक है जैसे टाइप्स ऑफ फ्लेम और वेल्डिंग डिफेक्ट्स, जिसकी वीडियो बहुत जल्द आपको देखने मिलेगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द इंजीनियरिंग. गुड बाय.